आज अपना करियर ले रहे और इसी के साथ ही बहुत बड़ी महान विभूति है इनका है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का। इनका जन्म 1863 में हुआ था 12 जनवरी और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को। बहुत ही अल्प आयु में इनका देहांत हो गया था। इनको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थे लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य को पीछा नहीं छोड़ा। 31 बीमारियों का इनका शरीर था। इनके शरीर में 31 तरह की बीमारियां थी जिससे वो ग्रसित थे और उसी के कारण इनको मतलब बहुत अल्प आयु में इनको मृत्यु को प्राप्ति हुई। मतलब इस इतनी बीमारियों के साथ में एक मनुष्य ने कितनी प्रगति कर का सिद्धांत रखा, ये आपके सामने लक्ष्य है और उसी को आप आधार मानते हुए अपने कैरियर को संवारना है। कैरियर कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप आपके ऊपर निर्भर है। मुझे क्या करना है, आपने सोच लिया मुझे ये करना है तो मनुष्य तो हमेशा वही करता है जो आदिकाल से आज आधुनिक काल में आकर के प्रवेश कर गया। आप अपने मस्तिष्क को स्थिर रखें और सोचें हम लोगों के लिए कमा रहे हैं, अपने स्वयं के लिए कमा रहे हैं। ये सिद्धांत, ये प्रतिपादित सिद्धांत मैं कई बार कक्षा में कहता हूं। आरएस बनो, आईएएस बनो और उसकी परिभाषाएं भी तुमको समझाई है। अभी हमारे डॉक्टर साहिबा मैडम ने आपको पूछा था कि यूपीएससी को मैं 10 बार तुम्हारी क्लास में बता चुका हूँ आईएएस के बारे में, आईएएस कैसे बनते हैं और इसमें कौन कौन सी रैंक होती है, कौन सी रैंक में कौन से पद मिलता है, ये भी तुम्हारे को बता चुका हूँ। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का भी रहा हूँ। 11 तक मेरे साइंस थी, बाद में मैंने बीए किया। मैंने सब समझाया आपको लेकिन आपके दिमाग में केवल ये लक्ष्य विहीन अभी भी हो। मैं कई बार मेरा भ्रमण का रहता ही रहता है और मैं हर बार वहां जाकर के चूक जाता हूँ। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आपको हंसी जरूर आएगी कि तोड़ साएगी हाईवे पे जब चढ़ते 8 रास्ते हैं। कितने? 8 रास्ते हैं, उसपे सराउंडिंग एयर बना करके 8 रोड निकलते हैं। वो 100% जिसको ज्ञान रही वो 100% चूकता और कोई दूसरे शहर में चला जाता है। एशिया का सबसे टिपिकल मोड है ब्रिज है, वहां से मैं और मेरे भाई साहब जो 500 ड्यूटी है, बड़े भाई साहब है, ताऊ जी के लड़के हैं। एक बार उन्होंने कहा यार मेरे पैसे है, मैं अकेला जा रहा हूँ, तेरे को चलना पड़ेगा। मैं गया था, गाड़ी चला रहे थे हम और मैं चूक गया। उन्होंने बताया यार मैं चूक गया और हम कहीं जाकर निकले वापिस आए। तो आपका लक्ष्य वो है, आपने निर्धारित नहीं किया मुझे जयपुर जाना, उदयपुर जाना या एमपी में जाना या प्रतापगढ़ जाना या चित्तौड़ जाना है। आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। कोई भी वस्तु हर चीज का निर्माण मनुष्य ने किया, कोई लक्ष्य नहीं है और अपने करियर के द्वारा ही बने। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ये जितने भी सीए ले लो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें जो प्रतिपादित पोस्टें हैं वो आप ही में से निकलती है और वो आपके माइंड को खरीदते हैं और आप उनको कमा के देते हो। मैंने आपको कहा था प्रत्येक व्यक्ति अगर कोई रिलायंस का अगर सिम खरीद रहा है तो वो आपका आप रिलायंस वाले को